सावन की पांचवी सोमवारी पर बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालुओं को शिवगंगा घाट से कतारबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कराकर अर्घ्य के माध्यम से जलाभिषेक कराया जा रहा है। श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक जलार्पण कराने के लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की टीम चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। दुमका के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया, भीड़ को देखते हुए कांवरिया रूट लाइन के सभी प्वाइंट्स पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की नियुक्ति की गयी। बासुकीनाथ धाम बोलबम के जय घोष से गुंजायमान हो रहा है। पंडा धर्म रक्षणी सभा के अध्यक्ष मनोज पंडा ने बताया कि सावन के इस पावन महीने के सोमवारी को भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। ब्यूरो रिपोर्ट दुमका। नगरी में बाबा बासुकीनाथ की नगरी में बहुत अच्छा लगा और यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। प्रशासनिक सेवा जो है काफी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जय बाबा बासुकीनाथ। आज श्रावण अधिक मास अर्थात मलमास जो पुरुषोत्तम मास का तीसरा सोमवारी है और बाबा बासुकीनाथ फौजदारी दरबार में ये मान्यता है कि श्रावण मास में, वैसे तो हर सोमवारी का अपना अपना अलग महत्व है, श्रावण मास के सोमवारी में जो श्रद्धालु अपने सच्चे मन से पवित्र मन से बाबा का आराधना करेंगे, जलार्पण करेंगे, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और सोमवार को दूध चढ़ाने का एक विशेष महत्व भी रहा है, क्योंकि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ है और उनके कंठ में जब हलाहल विष आया तो जलन के कारण बाबा विचलित हो गए थे, तो माँ आदिशक्ति भगवती माँ तारा के रूप में स्तनपान करवाए, दूध पिलाए। तो इसीलिए सोमवार को श्रावण मास में दूध चढ़ाने की विशेष महत्व है और दूध चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न भी होते हैं, खुश भी होते हैं, ये मान्यता है। मैं अध्यक्ष मनोज पंडा धर्मक्षिणी सभा बासुकीनाथ। के दिन में ऐसे भी सामान्य दिनों से अधिक भी दर्शनार्थियों का भीड़ होती है, जलार्पण के लिए आते हैं, तो आज के दिन में अर्घ्य लगता है यहाँ ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जाए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी जगह फोर्स है और अलग से हम लोग जो QRT रखे उसको भी आज एक्टिवेट किए हैं, बाइक दस्ता भी निकाले हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग सभी जगह घूम के पोस्ट पर सभी DSP साहब लोग के साथ जाके उनको ब्रीफ किए गए हैं कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए और बेहतर तरीके से उसका नियंत्रण हो रहा है, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ जहाँ तक देख रहे हैं कि देवघर में जैसे भीड़ बढ़ती है और हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं कि अब वो भीड़ यहाँ पर आएगी उसके हिसाब से, साथ ही साथ यह ट्रेन का टाइमिंग है, 7:30 बजे का ट्रेन है और जब जब ट्रेन देवघर से आती है तब तब यहाँ भीड़ बढ़ती है, तो उस हिसाब से हम लोग जो है भीड़ का कंट्रोल करते हैं और यहाँ पर अच्छी तरीके से सभी श्रद्धालुओं का दर्शन कराया जा रहा है और सोमवार को विशेषकर यहाँ पर अर्घ्य लगती है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।